दोस्तों, इस बार सरकार की कोई भी प्लानिंग नहीं है ड्यू डेट एक्सटेंड करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जो नॉन ऑडिटेड केस है, जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होनी है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर, स्मॉल टैक्स पेयर, जिनकी आखिरी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023 है। सरकार ने इस बार रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी ने ये न्यूज़ अपडेट कर दी है कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करने वाली है। अगर अभी तक आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है 31 जुलाई से पहले पहले, तो जल्द से जल्द अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए और वेट बिल्कुल ना करिए। एक्सटेंशन की कोई भी न्यूज़ नहीं आने वाली है। सरकार ये भी सोच रही है कि इस बार जो नंबर ऑफ रिटर्न फाइलिंग है वो पहले से ज़्यादा होगी। 18 जुलाई 2023 को जो अपडेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, टोटल नंबर ऑफ रिटर्न जो फाइल किए गए हैं वो 3 करोड़ से ज्यादा की आईटीआर फाइल हो चुकी है और नंबर ऑफ आईटीआर जो वेरीफाई है वो 2.80 करोड़ की है और टोटल आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो चुकी है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट ये सोच रहे कि इस बार जो आईटीआर है वो पहले के मुताबिक ज्यादा होगी, जिस वजह से इस बार कोई भी ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो अगर अभी तक आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है या फाइल करने का सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए, बिकॉज 31 जुलाई आखिरी डेट है, इसके बाद कोई भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अगर इसके बाद आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस, पेनल्टी और भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं 31 जुलाई के बाद अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में क्या लेट फीस, क्या पेनल्टी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। 31 जुलाई के बाद आप कब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, जिसके लिए पूरी डिटेल जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 4 महीने का समय पीरियड दिया जाता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आप नॉन ऑडिटेड केस है तो उस केस में 31 जुलाई आपके लिए आखिरी डेट है, ऑडिटेड केस के अंदर 31 अक्टूबर। लेकिन एक टैक्स पेयर तब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकता जब तक उसके 26AS के अंदर उसका जो TDS डिडक्ट किया गया है डिडक्टर द्वारा, बैंक द्वारा या अदर डिडक्टर द्वारा, तब तक वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल नहीं कर सकता। TDS रिटर्न क्वार्टर 4th फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो आखिरी डेट थी वो 31 मई थी, यानी 31 मई तक तो कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा जब तक डिडक्टर आपका TDS रिटर्न नहीं भरता। जो भी TDS आपका डिडक्ट किया गया जब तक वो सरकार को जमा नहीं करता तब तक वो आपके 26AS के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता। TDS रिटर्न भरने के बाद भी 10 से 15 दिन का समय लगता है, जिसके अंदर 26AS के अंदर आपके अपडेट होता है, EIS के अंदर आपका अपडेट होता है, जिसके बेस पर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अपना TDS एज ए रिफंड के रूप में क्लेम करते हैं। यानी 15 जून तक तो सभी टैक्स पेयर, ज्यादातर लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल ही नहीं करी, यानी सिर्फ 1.5 महीने का ही समय पीरियड रहा है, यानी बहुत ही कम समय पीरियड रहा है जिसमें सभी टैक्स पेयर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी होगी, जो भी नॉन ऑडिटेड केस है। अभी तक की बात करें तो 3 करोड़ से ज्यादा की ITR अभी भी फाइल हुई है, यानी अभी भी बहुत सारी ITR जो वो पेंडिंग है, फाइल होना बाकी है। बहुत ही कम समय पीरियड रह गया 31 जुलाई के लिए, सरकार द्वारा कोई भी डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की जा रही है। वो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले अगर भर देते हैं तो उस केस में कोई भी लेट फीस या कोई भी पेनल्टी, कोई भी इंटरेस्ट उन पर नहीं लगेगा। जो लोग 31 जुलाई से पहले यानी डेडलाइन से पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल कर देते हैं तो उस केस में कोई भी लेट फीस, पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन 31 जुलाई के बाद कौन से सेक्शन के अंदर कितनी लेट फीस लगने वाली है, क्या कोई प्रोसीजर है या कब तक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर पाएंगे, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं क्या है लेट फीस, क्या है पेनल्टी और क्या होगा पूरा प्रोसेस। करते हैं लेट फीस के बारे में, तो कितनी लेट फीस लगेगी अगर सरकार ने ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करी, यानी 31 जुलाई आखिरी डेट है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो उस केस में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं 1 अगस्त से तो कितनी लेट फीस आप पर लगेगी। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उस केस में 5,000 की लेट फीस आप पर चार्ज होगी। सेक्शन
सेक्शन 234F के अंदर अगर आपकी 5 लाख से लेकर 2.5 लाख के अंदर इनकम है तो उस केस में 1,000 की लेट फीस लगेगी, और 2.5 लाख से अगर कम है तो उस केस में कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी अगर आप 1 अगस्त से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, सरकार अगर कोई भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करती है। लेकिन आप लेट इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल कर पाएंगे? 31 दिसंबर 2023 तक, जिसे हम बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। 234F के अंदर जो लेट फीस है वो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आपको देनी होगी। ध्यान रखिएगा, जो भी लेट फीस आप दे रहे हैं सरकार को, 2.5 लाख से नीचे वालों के लिए कोई भी लेट फीस नहीं है। लेकिन जो लोग मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आते हैं, जैसे कि अगर आपने बैंक में करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया, या फिर आपने TDS कटा है, TCS कटा है 25,000 या 50,000 सीनियर सिटीजन के केस के अंदर, फॉरेन ट्रैवल किया 2 लाख से ज्यादा का एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, या फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हुआ 1 लाख से ज्यादा, अगर आपका बिजनेस टर्नओवर है 60 लाख से ज्यादा, प्रोफेशनल टर्नओवर है 10 लाख से ज्यादा, तो इन सभी केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होती है बिलो टैक्सेबल लिमिट से। यानी आपकी जो इनकम है 2.5 लाख से अगर कम भी क्यों ना है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी क्यों ना है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो इन केसेस के अंदर भी आपको जो है लेट फीस जो है 1,000 की वो लागू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख से कम है तो आपको बिल्कुल भी लेट फीस नहीं लगेगी। ये जो केसेस हमने आपको बताया, इन केसेस के अंदर लेट फीस चार्ज आपकी हो जाएगी सेक्शन 234F के अंदर। ये अब जानते हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे अंडर सेक्शन 139(4) के अंदर आपको भरना होता है, ये ड्यू डेट के बाद आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको सेक्शन चूज करना है 139(4) आप सिलेक्ट करेंगे, बिलेटेड रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आप 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते। दोस्तों, सरकार द्वारा बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के रूल्स के अंदर चेंजेस किए गए, यानी आपका असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले के 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर देनी है, यानी अपनी बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। एक बार आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर देते हैं बिलेटेड, उस केस में वो ओरिजिनल रिटर्न जैसी ही सेम मानी जाती है, बस आपको जो है लेट फीस या जो भी इंटरेस्ट है टैक्स अमाउंट पर वो आप पर लग जाता है। अगर आपको लगता है कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आपसे कुछ गलतियां हो गई है तो उसको आप पर रिवाइज भी कर सकते हैं। रिवाइज की भी डेट 31 दिसंबर 2023 तक ही रखी गई है। दोस्तों, ये अब जानना जरूरी है कि 31 दिसंबर के बाद क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अब जानते हैं कि 31 दिसंबर के बाद क्या कोई सेक्शन है जिसके अंदर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर सकते हैं अगर हमारी पेंडिंग ITR है, यानी ओरिजिनल ड्यू डेट जा चुके 31 जुलाई और बिलेटेड या रिवाइज की भी ड्यू डेट जा चुके 31 दिसंबर, क्या इसके बाद भी हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो एक सेक्शन दिया गया, सेक्शन 139(8)(a) अपडेटेड रिटर्न। असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद फाइनेंशियल ईयर 22-23 असेसमेंट ईयर 23-24 यानी 31 मार्च 2024 के खत्म होने के बाद 1 अप्रैल 2024 से आप अपडेटेड रिटर्न जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की फाइल कर सकते हैं। कितने समय पीरियड के लिए? 2 साल का समय पीरियड दिया जाएगा, यानी 31 मार्च 2026 तक आप अपडेटेड रिटर्न जो वो फाइल कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस अपडेटेड रिटर्न के अंदर ना ही आप कोई रिफंड क्लेम कर पाएंगे, ना ही आप इनकम टैक्स लाइबिलिटी को कम कर पाएंगे। इसमें आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा। भले ही आपने ओरिजिनल रिटर्न, रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अगर नहीं भी फाइल करी है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न जो वो फाइल कर सकते हैं। तो अपडेटेड रिटर्न जो वो आप 1 अप्रैल से ही फाइल कर पाएंगे, 31 दिसंबर से लेकर यानी 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई रिफंड पेंडिंग है तो उस केस में कोई भी रिफंड जो वो आप बढ़ा नहीं सकते और ना ही कोई एडिशनल रिफंड आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। 31 जुलाई के बाद आप अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते यानी बिलेटेड फाइल करते तो लेट फीस तो आप पर लगेगी, लेकिन आपको ब्याज भी देना पड़ जाएगा सेक्शन 234A के अंदर। अगर आपका कोई भी पेमेंट ऑफ टैक्स यानी ड्यू है तो उस केस में आपको 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको इंटरेस्ट चुकाना होगा। इसी के साथ आप पर प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा नोटिस भेजने के बाद। अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल नहीं करते या आपका पेमेंट ऑफ टैक्स बाकी है, आप टैक्स की पेमेंट नहीं करते, तो उस केस में आपको 3 महीने से लेकर 2 साल की सजा भी हो सकती है। अगर जो टैक्स है वो अगर आपने इवेड किया है 25 लाख से ज्यादा, तो उस केस में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। यानी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो उस केस में आप जेल भी जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने
इनकम टैक्स रिटर्न जो ड्यू डेट से पहले टाइमली फाइल करें, अदरवाइज आप पर लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, ये सभी कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है, एक्सटेंशन का वेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा अनाउंस कर दिया गया इस साल कोई भी एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा, 31 जुलाई आपके लिए आखिरी डेट होगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विदाउट लेट फीस, विदाउट पेनल्टी। अगर 31 जुलाई के बाद आप फाइल करते तो उसके इसमें लेट फीस, पेनल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ जाएंगे, आपका जो रिफंड है वो भी आपका डिले हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई से पहले पहले आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।